उधर पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर मकान बनाने वाले भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। भू माफिया की ओर से राजीव नगर में जमीन बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आवास बोर्ड ने कई भू माफिया और सहकारी समिति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आवास बोर्ड के अधिकारी ने राजीव नगर में कई भू माफियाओं के खिलाफ नामजद अभियुक्त पर मामला दर्ज कराया है और कई सहकारी समिति पर मामला दर्ज कराया गया है। रोक के बावजूद मकान बनाए जाने को लेकर ही कई लोगों पर राजीव नगर थाने में आवास बोर्ड ने मामला दर्ज कराया है। वह भू माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगू बालम जुड़ चुके हैं। मरगू, भू माफियाओं पर मामला दर्ज है, किस तरह से गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी? देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने राजीव नगर को लेकर के लगातार बहस हो रही है, अधिकारियों का भी पक्ष लिया जा रहा है, सरकार का पक्ष लिया जा रहा है। राजीव नगर में जिन लोगों ने घर बनाया या जमीन खरीदा उनका पक्ष लिया जा रहा है। माननीय न्यायालय लगातार सुनवाई कर रहा है। इसी बीच कल देर रात एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि आवास बोर्ड की तरफ से जो भू माफिया है, कई भू माफिया जिन्होंने सरकार की जमीन को बेच दिया कौड़ी के भाव में, एक सहकारी समिति बना के छह सहकारी समिति सहित कई भू माफियाओं पर मामला दर्ज किया गया। मामला कई किसी की गंभीर धाराओं में दर्ज है। इन मामलों के बाद कल रात से ही एक टीम बनाई गई है एसएसपी को द्वारा और छापेमारी शुरू कर दी गई है। भू माफिया की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा पटना पुलिस कर रही है। इस मामले में आपको पता है कि जिस तरीके से लगातार 3 दिनों तक राजीव नगर में रण क्षेत्र बना रहा, मकान तोड़े के जाने के दौरान कई गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुआ, गोले छोड़े गए, गोली चलने की नौबत आ गई, हालात इतने हुए कि सीटीएसपी घायल होकर के कई दिनों तक अस्पताल में पड़े रहे। तो बिल्कुल स्थिति जब बदतर हो गई तो माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर हुई, उसके बाद माननीय न्यायालय ने तत्काल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इस मामले में ये पक्ष है कि सहकारी समिति बना के कई भू माफियाओं ने सरकार की जमीन को कौड़ी के भाव में बेच दिया और आवास बोर्ड पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में भू माफिया कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं और इस पूरे मामले में पुलिस कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाती है। बिल्कुल, कब तक कार्रवाई पुलिस कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।